नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो अनदेशक न्यूज। शिक्षा विभाग की बड़ी खबरों के साथ पेश आज की ये मुख्य खास खबर। आज की इस खास खबर में हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री जी और अनुदेशकों के बीच संवाद क्या खास बिंदु रहेंगे। अनुदेशक न्यूज की इस खास पेशकश को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का वैश्विक शिक्षा उत्तर प्रदेश समाचार। साथियों, शुरू करते हैं आज की टॉप शिक्षा विभाग न्यूज से, जो कि अनुदेशकों से संबंधित है। लखनऊ में 29 दिसंबर को शिक्षा विभाग के अनुदेशकों एवं रसोइयों से संवाद किए जाने के संबंध में सचिव का आदेश जारी हो चुका है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि 29 को एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में होने जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा संवाद करेंगे अनुदेशकों की समस्याओं के समाधान हेतु और रसोइयों के समाधान हेतु। यहाँ पर मैं आपको ये आदेश दिखाना चाहूँगा। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी के लिए आदेश जारी हुआ है और ये आदेश 27 दिसंबर 2021 के लिए जारी हुआ है। साथियों, यानी कि कह सकते हैं ये 27 दिसंबर को जारी कर दिया गया है। और इसमें क्या खास विषय है, मैं आप विषय दिनांक 29/12/2021 को अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत रसोइया एवं अंशकालिक अनुदेशकों से संवाद कार्यक्रम के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषय अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से दिनांक 29/12/2021 को वैश्विक शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों एवं रसोइयों का संवाद कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में प्रातः 10 बजे से 11 बजे के मध्य होना सुनिश्चित हुआ है। उक्त कार्यक्रम में आपके जनपद से रसोइयों एवं अंशकालिक अनुदेशकों द्वारा प्रतिभाग करने के संबंध में निम्न विवरणानुसार अग्रेतर कार्यवाही किया जाना है। नंबर एक पॉइंट है, जनपद लखनऊ से 50 रसोइयों एवं 348 अंशकालिक अनुदेशकों द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग करना सुनिश्चित किया गया है। आगे का पॉइंट है, दूसरे नंबर पर जनपद बाराबंकी से 180 अंशकालिक अनुदेशकों द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जाएगा। नंबर तीन पर संबंधित जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके जनपद हेतु निर्धारित संख्या के अनुसार रसोई एवं अंशकालिक अनुदेशकों का चयन किया जाएगा, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सभी विकास खंडों का प्रतिनिधित्व हो रहा है। चार नंबर पर चयनित रसोइयाँ एवं अंशकालिक अनुदेशकों की सूची एवं विवरण, जिसमें उनका नाम, कार्यरत विद्यालय का नाम, विकास खंड का नाम, मोबाइल नंबर अंकित हो, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण एवं राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। पांचवें नंबर पे है, विकास खंडवार संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। नंबर सिक्स पर है, संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके विकास खंड से प्रतिभाग करने वाले रसोइयों एवं अंशकालिक अनुदेशकों को स्ट्रिप सहित परिचय पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके साथ रसोइयों एवं अंशकालिक अनुदेशकों को कार्यक्रम में प्रतिभाग करना होगा। सातवें नंबर पर पॉइंट है, जनपद के कार्यक्रम स्थल तक लाने एवं ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करेंगे तथा सभागार में प्रातः 8 बजे तक उपस्थित होना होगा, जिससे कार्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व सुव्यवस्थित ढंग से रसोइयों एवं अंशकालिक अनुदेशकों का अपना स्थान ग्रहण कराया जा सके। आठवें नंबर पर है, संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यक्रम में उनके विकास खंड के प्रतिभाग करने वाले रसोई एवं अंशकालिक अनुदेशकों की संख्या के अनुसार लंच पैकेट प्राप्त कर कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। साथियों, यहां पर आपने देखे कि ये बिंदु हैं जो कि आदेश में
जारी किए गए हैं। आगे इसके और दो बिंदु हैं, मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। आप विस्तार पूर्वक वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इसके अलावा और भी खबरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने इस चैनल के माध्यम, जो कि शिक्षा विभाग से संबंधित हैं और टॉप की खबरें आज की कह सकते। यहाँ पर निर्देशित किया गया है 9वें नंबर पर कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु COVID-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जाएगा। 10वें नंबर पर खंड शिक्षा अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रतिभागी के साथ उनके पाल ना आए। आखिरी पॉइंट में कहा गया है सभागार में सुव्यवस्थित बैठने हेतु मंडलीय सहायक निदेशक वेसिक लखनऊ मंडल लखनऊ दूरभाष नंबर 94-53-00-40-43 एवं लंच पैकेट के लिए भी श्री संजय शुक्ला प्रशासनिक अधिकारी राज्य परियोजना कार्यालय निषादगंज लखनऊ दूरभाष नंबर 94-15-38-71-63 को प्रभारी अधिकारी नामित किया गया है। कृपया उपरोक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। भव दिए डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक वेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। सम्मानित साथियों, आपने देखा कि लखनऊ में 29 को कार्यक्रम होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी अनुदेशकों से, रसोइयों से सीधा संवाद करेंगे उनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु। यहाँ पर दूसरी खबर की ओर चलते हैं। संविदा कर्मियों और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान में ना हो देरी, सीएम योगी जी ने दिए सख्त निर्देश। आप देख सकते हो संविदा कर्मियों और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान में ना हो देरी, सीएम योगी जी ने दिए निर्देश। लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु गठित उच्च स्तरीय कमेटियों की सुस्ती का संज्ञान लिया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में अनावश्यक देरी ना करें। ये हिदायत दी है मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए, उच्च अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। साथियों आगे है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री SP गोयल ने विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों को वार्ता की। समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराने के लिए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटियों का गठन किया था, लेकिन सेवा संगठनों की शिकायत है कि कमेटियों ने उनसे बात तो की, कई मुद्दों को तर्कसंगत एवं उचित मानते हुए सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। यहाँ तक कि जो मांगे बिना अतिरिक्त वित्तीय भार वाली हैं उन पर भी कोई निर्णय नहीं हो रहा है। कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि अधिकारी चुनाव आचार संहिता जारी होने का इंतजार कर निर्णय को लटका रहे हैं। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसमें कर्मचारियों में जबरदस्त नाराजगी है। मुख्यमंत्री योगी जी ने इस स्थिति का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अभी शासकीय, अर्धशासकीय, संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित संरक्षण के लिए संकल्पित है। इस दिशा में कई प्रयास किए गए हैं। उन्होंने इस उच्च स्तरीय समितियों को निर्देश दिए हैं कर्मचारियों से संवाद कर उनकी समस्याओं व मांगों पर शीघ्र निर्णय लें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि अधीनस्थ कर्मियों से संवाद कर उनकी समस्याओं पर तुरंत निर्णय लें, इसमें अनावश्यक विलम्ब ने ना किया जाए। ये कहा गया है हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आगे चलते हैं एक बहुत बड़ी खबर जो कि शिक्षा विभाग से, शिक्षा मित्रों से संबंधित है। साथियों बताना चाहेंगे शिक्षा मित्र अपने बड़े हुए मानदेय को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और खुलकर मैदान में विरोध करने के लिए सरकार के आ गए हैं। साथियों क्या है समाचार मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। शिक्षा मित्रों से संबंधित ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जिसको प्रिंट मीडिया ने अहम स्थान दिया है। सभी पेपर्स ने इसको अपने अंकों में छापा है। साथियों यहाँ पर दिखाना चाहेंगे प्रयागराज से ही समाचार है। शिक्षा मित्रों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रदेश सरकार ने 17,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की, जबकि 1,58,000 शिक्षा मित्र
नौकरी के इंतजार में बैठे हैं। शिक्षा मित्रों का आरोप है कि यूपी सरकार प्रदेश के स्कूल में कार्यरत 158,000 शिक्षा मित्रों को मिलने वाला हक खत्म करना चाहती है। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि शिक्षक भर्ती में अन्य अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, पदों की संख्या बहुत कम है। ब्यूरो, ये समाचार आप अनुदेशक न्यूज़ पर देख रहे हो, सहयोग से अन्य समाचार पत्रों के। शिक्षा विभाग में अनुदेशक शिक्षा मित्र अन्य शिक्षकों से संबंधित खास खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और जागरूक रहिए अपने अधिकारों के प्रति। विशेष शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश अनुदेशक शिक्षा मित्र न्यूज़ को हम आपको सबसे पहले सबसे सत्य सटीक खबरों के साथ रूबरू कराते रहते हैं साथियों। और जाते जाते हम आपको बस यही कहना चाहेंगे इस शेयर के माध्यम से, जो कि अन्वेषक और शिक्षा मित्रों के लिए स्पेशल है। भले शातिर रहे तू रहे, मुझे नादान रहने दे, मुझे इस छल फरेबों से ज़रा अनजान रहने दे। घमंडी हो न जाए आज फिर ये काट की कश्ती, समंदर में अभी कुछ देर तो तूफान रहने दे। निकल आया जहाँ से कांच का नाजुक बदन लेकर, वहाँ के पत्थरों का भी ज़रा एहसान रहने दे, वहाँ के पत्थरों का भी ज़रा एहसान रहने दे। आगे की पंक्तियाँ हैं, लेकिन उससे पहले अनुरोध है, अगर दिल को छू जाए तो अपना कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। आगे की पंक्तियों की तरफ मैं ले चलता हूँ आपको। सभी कुछ मत बदल माना, बदलते दौर में हैं हम, ज़रा तहजीब की थोड़ी बहुत पहचान रहने दे। लुटेरे लूट लेना तू भले सब कुछ हमारा पर, लुटेरे लूट लेना तू भले सब कुछ हमारा पर, दिलों की जेब में मौजूद बस ईमान रहने दे। दिलों की जेब में मौजूद बस ईमान रहने दे। सभी के दर्द का हम दर्द बनना चाहता हूँ मैं, सभी के दर्द का हम दर्द बनना चाहता हूँ मैं। कभी तू तख्त मत देना मुझे दरवान रहने दे। अभी कुछ देर पहले की वफा ने खुदकुशी है, अभी कुछ देर पहले ही वफा ने खुदकुशी की है। अभी दिल की कुटी कुछ देर तो वीरान रहने दे, अभी दिल की कुटी कुछ देर तो वीरान रहने दे। साथियों, आप सभी के लिए ये शेर समझने वाले समझ गए होंगे। फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब तक नहीं किया है, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, शिक्षा विभाग की खास खबरों के साथ, अनुदेशक शिक्षा मित्रों की समस्याओं को उठाते हुए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।